कौन सीटीडी को ऑपरेशन के लिए भेजता है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, एसपी जवाद कमर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया। सरकारी वकील का जवाब, क्या वो एसपी गिरफ्तार है? अदालत, जिस अफसर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया उसे मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश किया गया है। सरबराज जीआईटी का जवाब, अदालत की दी गई मोहलत में एजाज शाह ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस के हमरा पेश कर दी। अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो सब जेल के अंदर होंगे। जस्टिस सरदार शमीम के रिमार्क्स, सीटीडी के आला अफसर ने धमकाया, वकील जलील ने भी अदालत को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ की सेहत के मामले को लेकर लीगी रहनुमा जज्बाती, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, नवाज शरीफ को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, सख्त जहनी दबाव का शिकार है, वापस जेल मुंतकली का कहा जा रहा है। एहसन इकबाल बोले, नवाज शरीफ को दिल का मसला है, मेडिकल बोर्ड में एक भी हार्ट स्पेशलिस्ट शामिल नहीं। नवाज शरीफ के इलाज में बरती जाने वाली गफलत नाकाबिले कबूल है, किसी महज़ब मुल्क में दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता। बैरून मुल्क भेजने का फैसला नहीं हुआ, नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज ने राय दे दी। मेडिकल बोर्ड ने टेस्ट रिपोर्ट्स चेक की, नवाज शरीफ का मुआयना भी किया, रिपोर्ट्स पर मुशावरत जारी है। माहिर अमराज कल्ब के खदमात भी हासिल कर ली गई हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज, नवाज शरीफ का दिल महफूज है, हार्ट अटैक नहीं हुआ, दिल का टेस्ट हो पाए नेगेटिव आ गया, अस्पताल सराय। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज, मुलाकात के लिए घर वाले भी आए और पार्टी वाले भी। बेटी मरियम नवाज की अस्पताल आमद, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी मुलाकात की। मतवाले भी अस्पताल के बाहर मौजूद, कायद से सारे यकजहती के लिए नारेबाजी। साहिवाल वाके की जीआईटी रिपोर्ट 10-12 रोज में आ जाएगी, फयाजुल हसन चौहान का ऐलान। बोले, जुडिशल कमीशन की जरूरत सानहा मॉडल टाउन जैसे वाके में होती है। जीआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 5वीं के इम्तिहानात आगाज पर ही मुतनाज़े, तलबा इम्तिहानात के लिए इम्तहानी मराकज में इन जबकि पर्चा आउट। साइंस के पर्चे की जवाबी कॉपी मार्केट में मिलती रही, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहानात की सीक्रेसी बरकरार रखने में नाकाम, बकिया पेपर्स पर भी सवालिया निशान। खोखर बरादरान ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर गड़बड़ की, 402 केराल राजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई, महकमा एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का एलडीए कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी करप्शन को मार्च के दूसरे हफ्ते तक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इंक्वायरियों की रिपोर्ट की रोशनी में पता चलेगा कि रजिस्ट्रियां कब बनी। जस्टिस उमर अता बंदियां, टमाटर बहरान एक मरतबा फिर सर उठाने लगा, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता फिर से बढ़ने लगी। 6 रोज में कीमत 40 रुपए बढ़ी, सेंचुरी पर नॉट आउट। हंडिया की बुनियादी जरूरत फिर महंगी होने पर शहरी परेशान, टमाटर की कीमत का सुनते ही रंग लाल। आवाम महंगाई के घेरे में, मुर्गे की कीमतों को भी पड़ लग गए, एक हफ्ते में रेट में 52 रुपए का इजाफा, फी किलो कीमत 206 रुपए पर पहुंच गई। महंगाई ने शहरियों को चकराकर रख दिया। किफायतशारी अपनाना है, शहर को चमकाना है, सफराई की निगरान कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद नजीर बट्टू के शहर की सफाई सुथराई के लिए अहम इकदाम। अमले की हफ्तावार छुट्टी बंद, असिस्टेंट मैनेजर्स और जोनल ऑफिसर से 60 गाड़ियां वापस लेने का फैसला। तमाम फील्ड स्टाफ को मोटरसाइकिलें दी जाएंगी, अफसरान को पूरे दिन में सिर्फ एक कप चाय का मिलेगा, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी बंद कर दी गई। ओमनी ग्रुप से जुड़े मजीद लोगों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया, एफबीआर ने ओमनी राइस मिल के डायरेक्टर नदीम बशीर पर 1,90,63,462 रुपए टैक्स आयद कर दिया। नोटिस जारी, 15 फरवरी तक मोहलत, अदम अदायगी की सूरत में अकाउंट्स मुंजमिन, जबकि गाड़ियां कब्जे में ले ली जाएंगी। जराए
बड़े बड़े नाम एफबीआर के रडार पर आ गए। साबिक चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। अशरफ शुगर मिल्स की चीनी की पैदावार का रिकॉर्ड मरतब करना शुरू कर दिया गया। हुनरमंद और बेरोजगार नौजवानों को कर्जे मिलेंगे। वजारत सनअत तजारत ने नौजवानों के लिए लोन प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। प्रोग्राम का आगाज मार्च के पहले हफ्ते में होगा। 6 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। वजीर सनअत तजारत मियां असलम इकबाल ने कहा। कैंसर से बचाव का आलमी दिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम आगाही वॉक। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत डॉक्टर्स, मेडिकल के तलबा और शहरियों की शिरकत। कैंसर से आगाही और इसका बरवक्त इलाज जरूरी है। माहिरीन महकमा पुलिस के 5 DIGs की तरक्की। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैज लगाए। IG ऑफिस में होने वाली तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर, दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। तरक्की पाने वालों में गोहर मुश्ताक भुट्टा, जुबैर दरेशक, जवाद डोगर, एहसन यूनस, कैप्टन रिटायर्ड अता, अफजाल कोसर, इमरान अहमद शामिल। तालीमी इदारों की आफादियत अपनी जगह, असल चीज जहानत होती है। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शुआना मुफ्ती का गवर्नमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर सेमिनार में लेक्चर। शुरका के सवालों के जवाब भी दिए।